हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। सेकेंड पार्ट है ये, थर्ड पार्ट है ये एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्शन इन द एलिमिनेशन चैप्टर का। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में तीन मेन स्टेप्स होते हैं, ठीक है, थ्री मेन स्टेप्स और या थ्री मेन प्रोसेसेस बोलेंगे। सबसे पहले आया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, हमने देखे थे ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, जो कैपिलरी से बना है, उसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, वो हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप है रीअब्सॉर्प्शन और थर्ड है सिक्रीशन। तो ये तीन स्टेप होने के बाद यूरिन बनता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये तीनों स्टेप अलग अलग पार्ट में होते हैं नेफ्रॉन के। जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नाम में लिख रहा है कि ग्लोमेरुलस में होगा, फिर ये अब्सॉर्प्शन दूसरे ट्यूब्यूल्स में होगा, सिक्रीशन होगा, ठीक है। तो हम पहले स्टेप को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन का है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें हम फिल्टर करेंगे, ब्लड को फिल्टर करेंगे, ठीक है। कौन करता है? ग्लोमेरुलस करता है, ठीक है, इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। ऑन एन एवरेज 1100 टू 1200 एम ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। मतलब हर मिनट में 1100 टू 1200 ml ब्लड फिल्टर करती है किडनी, ठीक है, हर मिनट में इतना ज़्यादा ब्लड फिल्टर करती है। ये कितना है? 1/5 है ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। अगर वो चैप्टर है सर्कुलेशन वाला, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, वहाँ पे लिखा है कि वेंट्रिकल्स जो है एक मिनट में ऑल अप्रॉक्सीमेटली 5000 ml ऑफ ब्लड डिलीवर करते हैं या फिर पंप करते हैं, ठीक है। तो उसका 1/5 मतलब 1100 to 1200 अप्रॉक्सीमेटली बात हो रही है, इतना किडनी फिल्टर करती है, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो इम्पॉर्टेंट पूछते हैं कि किडनी कितना ब्लड एक मिनट में फिल्टर करती है, तो 1100 to 1200 करती है, ठीक है, जो कि 1/5 है उस ब्लड के जो वेंट्रिकल पम्प आउट करता है हर मिनट में, ठीक है, हो गया ये। अब ग्लोमेरुलर जो फिल्टर करती है, ठीक है, उसकी कैपिलरीज जो है जो फिल्ट्रेशन करते हैं वो तीन लेयर्स से बने हैं, ठीक है, थ्री लेयर्स, अगेन थ्री, एंडोथेलियम, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स का एंडोथेलियम, फिर एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स, ठीक है, ये दो लेयर्स के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखा था कि दो लेयर्स के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो थर्ड लेयर होती है, वैसे ये एंडोथेलियम होता है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल में, एपिथेलियम होता है बोमेंस कैप्सूल में, और इन दोनों के बीच में जो थर्ड लेयर है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एपिथेलियल सेल ऑफ वोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स आर अरेंज इन अ इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइनट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लेट्स और स्लेट पोर्स, ठीक है। तो वोमेंस कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स, तो वोमेंस के एपिथेलियम है उसके सेल्स को बोल रहे हैं पोडोसाइट, ठीक है, वह ऐसे अरेंज है कि कुछ उनके बीच में स्पेस बची है, वो स्पेस को बोल रहे हैं फिल्ट्रेशन स्लेट और स्लेट पोर, ठीक है। अब आगे देखो, ब्लड इज़ फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ द वोमेंस कैप्सूल, देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब इतने अच्छे से फिल्ट्रेशन होता है कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा के सिर्फ कुछ प्रोटीन को छोड़कर फिल्टर होते हैं, ठीक है, मतलब सभी अच्छे से फिल्टर होते हैं, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब किडनी पर मिनट जितना फिल्ट्रेट बनाती है, फिल्ट्रेट मतलब कितना ब्लड प्योरीफाई करने के बाद ब्लड से बचा हुआ जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, ब्लड तो चला गया प्योरीफाई के बाद, उनके बाद जो उसके अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट बचा है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। जितना फिल्ट्रेट किडनी पर मिनट बनाती है उसको बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और GFR हेल्दी इंडिविजुअल 125 ml होता है। जैसे अब याद करो कि किडनी में कितना ब्लड आ रहा था, ऑलमोस्ट आ रहा था 1100 टू 1200 ml, और उसमें से कितना फिल्ट्रेट बन रहा है 125 ml, ठीक है, मतलब अगर एक मिनट में 125 ml तो एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन 180 लीटर फिल्ट्रेट एक्सक्रीट होता है क्या, 180 लीटर फिल्ट्रेट यूरिन बनता है क्या, नहीं, क्यों नहीं बनता, रीअब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। तुम्हारा सेकंड स्टेप रीअब्सॉर्प्शन, हम रीअब्सॉर्प्शन देखेंगे, उससे पहले जो एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो देखते हैं, ठीक है। किडनी में एक मैकेनिज्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेगुलेशन को, ठीक है, देखो, वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस JGA, याद रखना है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस JGA, एक स्पेशलाइज सेंसिटिव रीजन है जो सेलुलर मॉडिफिकेशन बना है DCT के, DCT याद है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, और एफरेंट आर्टेरियल, इनके
एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, इनके जंक्शन पे बोल सकते हैं, या जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट हो रहे हैं वहाँ पे ये जे जी ए स्पेशलाइज सेटेलाइट रीजन बना है, ठीक है, सेलुलर मॉडिफिकेशन से, ठीक है। तो फिर से देखो, जे जी ए जो कि स्पेशलाइज सेंसिटिव रीजन है, सेलुलर मॉडिफिकेशन से बना है, डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्टेरियोल के कॉन्टैक्ट के स्पेस पे, ठीक है। अगर जी एफ आर फॉल हुआ, मतलब जी एफ आर कम हुआ, 120 ml से कम अगर जी एफ आर हुआ है, तो वो एक्टिवेट करता है जे जी सेल को, ठीक है। जे जी ए में होते हैं जे जी सेल को एक्टिवेट होने के बाद जे जी सेल रिलीज करता है रेनिन, ठीक है, जो ग्लोमेरुलर फ्लो को और जी एफ आर को नॉर्मल ला लेता है, ठीक है। तो जे जी ए के पास जे जी सेल्स है, जे जी सेल्स रेनिन सिक्रेट करता है। अब ये रेनिन, एक रेनिन आया था डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में, वो डबल एन वाला था या सिंगल एन वाला है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, अब देखो सेकेंड स्टेप क्या थे, याद कर लो, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अब रीअब्जॉर्प्शन होगा, हमने देखे कि कितना पर डे कितना फिल्ट्रेट बनता है, 180 लीटर पर डे बनता है, बट यूरिन रिलीज कितना होता है, सब 1.5 लीटर रिलीज होता है। तो बाकी का जो है वो कहाँ पे जाता है, तो बाकी का वो रीअब्जॉर्ब होता है, मतलब वापस से उसके नेफ्रॉन के बाकी के पार्ट्स ट्यूब्यूल्स उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। कौन एब्जॉर्ब करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स, बाकी के ट्यूब्यूल्स, और इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब 180 लीटर पर डे प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसमें से यूरिन से 1.5 लीटर बन रहा है, बाकी का 99% रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। कौन रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, रीनल ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अ ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल इज डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और अ पैसिव मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये अब्जॉर्प्शन होगा या तो एक्टिव या तो पैसिव मैकेनिज्म से, एक्टिव जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है और पैसिव जिसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखो क्या है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड और सोडियम Na+ ये एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली, और जो दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एब्जॉर्ब होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, याद रखना है। ग्लूकोज अमाइनो एसिड और सोडियम, ग्लूकोज अमाइनो एसिड और Na+ ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं एक्टिवली, और जो दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एब्जॉर्ब हो रहा है पैसिवली, ठीक है। वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी पैसिवली ही होता है, ठीक है, ओके। और कहाँ पे होता, क्या लिखा, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन के पहले वाले सेगमेंट में, मतलब मोस्टली PCT की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, एक दूसरा स्टेप हो गया रीअब्जॉर्प्शन, हम तीसरा स्टेप क्या देखेंगे, सिक्रिएशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में जो ट्यूबुलर सेल है, जो ट्यूब है, PCT DCT के जो सेल्स है वो सिक्रीट करते हैं कुछ सब्सटेंस लाइक H+ हाइड्रोजन आयन, K+ पोटेशियम आयन, अमोनिया, ठीक है, फिल्ट्रेट में कुछ सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, इट इज हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस ऑफ अ बॉडी फ्लूड। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि वो यूरिन का आयनिक और एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। तो हमने तीन स्टेप देखे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला वाला स्टेप, जिसमें ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है, कितने ब्लड को एक मिनट में फिल्टर करता है, 1100 to 1200 ml ब्लड को, जो कि 1/5 है कार्डियक आउटपुट के, मतलब ईच वेंट्रिकल जितना 1 मिनट में ब्लड पंप करता है उसके 1/5 है, ठीक है। फिर GFR कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है, 180 लीटर पर डे, बट इतना सब तो इतना यूरिन रिलीज नहीं होता है 180 लीटर, तो 180 लीटर रिलीज नहीं होकर कितना होता है, 1.5 लीटर, बाकी का क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, 99% ही एब्जॉर्प्शन में जाता है, ठीक है। अगर GFR का रेट कम हुआ, अ फॉल इन GFR 125 ml से कम हुआ, तो फिर जे जी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रेनिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से GFR बैक हो जाता है। अब जे जी सेल कहाँ प्रेजेंट है, जे जी ए जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के पास, और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कैसे बना है, सेलुलर मॉडिफिकेशन से एफरेंट आर्टेरियोल और डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल के कॉन्टैक्ट वाले पोजिशन पे, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन भी याद रखना है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड और Na+ एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है दूसरे वो पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, साथ में वाटर भी पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसके बाद वाला क्या पॉइंट है, देखो फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, जहाँ पे हम PCT, हेनलेस लूप, DCT और कलेक्टिंग डक्ट, इन सब के फंक्शंस पढ़ेंगे, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इस वीडियो में नहीं देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।